वेलकम टू माई YouTube चैनल मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हम लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। लेट एफ वन ऑफ एक्स एफ टू ऑफ एक्स अप टू एफ एन ऑफ एक्स आर एन फंक्शंस, देन दीज फंक्शंस आर सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन सम इंटरवल कैपिटल आई वेयर दे आर डिफाइंड इफ द इक्वेशन C1 f1 of x plus C2 f2 of x plus up to so on plus Cn fn of x is equal to 0 implies C1 equal to C2 is equal to up to so on is equal to Cn is equal to 0. अगर हमारे पास n functions हो f1 से लेके fn तक और वो interval I पे defined हो तो ये फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस कहलाएंगे अगर ये जो इक्वेशन है जिसमें इन सारे फंक्शंस का लीनियर कम्बिनेशन है, यहाँ पे C1, C2 अप टू Cn आर कोफिशिएंट्स हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जस्ट हमारे पास ये आया कि C1, C2 और सारे Cn तक कांस्टेंट्स की वैल्यू ज़ीरो आए, मीन्स जस्ट यही एक सॉल्यूशन आए, तो तब हमारे पास ये जो फंक्शंस हैं एन फंक्शन, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इनमें से किसी भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शंस के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब हम इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। हमारी एग्जांपल है, We shall show that the function f1 of x is equal to x, f2 of x equal to x power 2 and f3 of x equal to x cube are linearly independent functions on interval capital I. तो यहाँ पे हमारे पास तीन functions मौजूद हैं, x, x power 2 और x cube। हम यहाँ पे ये शो करेंगे ये functions linearly independent हैं। तो अगर आप लीनियर कम्बिनेशन वाली इक्वेशन इन तीन फंक्शंस के लिए देखें तो वो बनेगी C1 f1 of x plus C2 f2 of x plus C3 f3 of x is equal to 0। अगर हम यहाँ पे फंक्शंस की वैल्यूज रिप्लेस करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है C1x plus C2 x power 2 plus C3 x cube is equal to 0। अब हमने C1, C2 और C3 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो इंटरवल आए है उसमें तीन पॉइंट्स हैं x0, x1 और x2। ये तीनों पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट्स हैं और ये ज़ीरो के इक्वल नहीं हैं। तो अगर ये पॉइंट्स इंटरवल I में बिलोंग कर रहे हैं और जो फंक्शंस f1, f2, f3 हमें गिवन हैं वो इस इंटरवल I पे डिफाइंड हैं, तो उन फंक्शंस की वैल्यू हम x0, x1 और x2 पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम x0 को पुट करें अपनी इक्वेशन में तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा c1 x0 plus c2 x0 power 2 plus c3 x0 cube equal to 0। इसी तरह जब हम x1 को पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी c1x1 plus c2x1 power 2 plus c3x1 cube equal to 0। और lastly जब हम x2 को replace करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी c1x2 plus c2x2 power 2 plus c3x2 cube equal to 0। ये values हमने इसलिए यहाँ पे put की हैं ताकि हम c1, c2 और c3 की values calculate कर सकें। अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों वैल्यूज़ रिप्लेस करने से हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना है जिसमें हमारे थ्री अननोन्स हैं C1, C2 और C3। अगर हम इन्हें कैलकुलेट करना चाहें तो आप गौर कर सकते हैं कि ये जो सिस्टम गिवन है ये एक होमोजीनियस सिस्टम है और हमारी जो कंडीशन है कि ये जो फंक्शंस हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट उस वक्त नहीं होंगे जब हमारे पास C1, C2 और C3 की नॉन ट्रिवियल वैल्यूज़ आएंगी, मींस वो ज़ीरो के इक्वल ना हो।
तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए होमोजीनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? ये आप पढ़ चुके हैं कि जब इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो। तो यहाँ पे ये जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, इस पे कंडीशन जो बनेगी वो कुछ इस तरह होगी कि ये जो डिटरमिनेंट है x0 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 power 2, x0 cube फर्स्ट रो, सेकंड रो में x1 x1 power 2, x1 cube, और थर्ड रो में x2 x2 power 2, x2 cube, इनका डिटरमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तब हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। ये किस चीज़ का डिटरमिनेंट लिया है हमने? ये कोफिशेंट्स, कोफिशेंट मैट्रिक्स का, अबव सिस्टम के कोफिशेंट मैट्रिक्स का। अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो तब हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, और इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास C1, C2 और C3 की सारी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं हैं, बल्कि उनमें से कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू भी है, तो जो के कॉन्ट्राडिक्ट करेगी लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस की डेफिनेशन से। अगर हम इस डिटरमिनेंट को मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल आता है? x1 - x0 * x2 - x0 * x2 - x1 * x0 * x1 * x2। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फैक्टर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इन पे ज़रा गौर करें, और लास्ट में ये जो क्वांटिटीज़ x0 x1 x2 लिखी हुई हैं, इन पे गौर करें, और फिर आप देखें कि हमने x0 x1 और x2 पे क्या कंडीशन अप्लाई की। हमने कहा था कि ये तीनों पॉइंट्स ज़ीरो भी नहीं हैं और ये तीनों पॉइंट्स डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, ये एक दूसरे के इक्वल भी नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये जो फैक्टर्स हैं ये भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकते, और ये जो लास्ट में आपको 3 क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट नज़र आ रहा है x0 x1 और x2, ये भी ज़ीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि ये डिटरमिनेंट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? इससे हम कंक्लूड ये करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन थी, ये जो सिस्टम है ऊपर 3 इक्वेशंस का, इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमारे पास जस्ट एक ही सॉल्यूशन है, C1 = C2 = C3 = 0। ये सॉल्यूशन देखने के बाद हम कह सकते हैं कि जो लीनियरली जो फंक्शंस हमें गिवन थे f1(x) = x, f2(x) = x^2 और f3(x) = x^3, ये तीनों फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।